Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. Jai Ho! प्रश्न है एक छोटी सी बालिका का कि माँ ने जबरदस्ती बोला इसको गुरु बनाओ, बना दिया. तब कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ, फिर कोई दूसरे महाराज साहब आए, उनके साथ कनेक्शन फील हुआ. तो अगर मैं उनको गुरु बना लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्या है हमारे इन जैन समाज के अंदर में ना कुछ ऐसी कहावतें चल पड़ी है जो तथ्यपूर्ण नहीं है लेकिन चल पड़ी है, है ना. तो उसमें एक कहावत है कि गुरु एक ही होता है, जैसे पति एक ही होता है, जैसे पिता जैसे पिता एक ही होते हैं वैसे गुरु भी एक ही होता है ना. तो फिर लोगों ने एक नया नारा दे दिया, गुरु एक सेवा अनेक. कि गुरु तो एक ही रहेगा, सेवा तुम अनेक सबकी करो, सभी साधु संतों की करो, गुरु तुम्हारा एक ही होता है. तो प्रश्न उठना आपका स्वाभाविक है कि दूसरा गुरु बनना बन रहा है तो मैं क्या करूं, कुछ पहले से चिपकी रहूं कि दूसरे को गुरु बना लूं. हाँ, वो नियम पालन नहीं हो रहा है. पहले गुरु ने नियम दिए, वो नियम मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा, तो वहां तो मेरा कुछ भाव उठता नहीं है. और दूसरा गुरु उसने कोई नियम नहीं दिए, वो अच्छा लग रहा है तो उनके साथ ट्यूनिंग बैठ गई, है ना. खैर, इस तथ्य को समझे हम, जैन दर्शन क्या कहता है गुरु के संबंध में. जैन दर्शन कहता है कि गुरु एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है. जैन दर्शन कहता है निर्ग्रंथ गुरु है. कौन गुरु है? निर्ग्रंथ, जिसके भीतर से ग्रंथियां निकल गई, कॉम्प्लेक्सेस डिजॉल्व हो गए. ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा, ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा. ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके भीतर मेरे सारे कॉम्प्लेक्सेस डिजॉल्व हो चुके हैं, वो हमारा गुरु है. बाकी तो सब टीचर्स है, टीचर्स है, धर्म की शिक्षा देते हैं, आते हैं जाते हैं लाइफ में, है ना. तो सब शिक्षक है, गुरु नहीं. और वो गुरु जिस दिन मिलेगा, तुम पहचान पाओगे जरूरी नहीं, लेकिन अगर पहचान पाए तो उसकी वाणी से पता लगेगा कि वो गुरु होता है जिसकी वाणी में निर्लोभिता होती है, निर्भयता होती है, और जिसके भीतर कोई लालच भय ये सब नहीं रहा, वो आपका गुरु होता है ना. उसके सिवा बाकी सबका तुम रेस्पेक्ट करो, सबसे शिक्षा लो, सबको सेवाएं दो. और ध्यान रखो कि जैन धर्म नहीं कहता कि गुरु एक व्यक्ति है, वो कहता है नमो अरहंताणं, अरहंतों को नमन. अरहंतों को बहुवचनांत शब्द है, है ना. नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमन. नमो आयर्याणम, आचार्यों को नमन. नमो उपाध्यायाणम, उपाध्यायों को नमन. और नमो लोए सर्व साहुणम, सारे साधुओं को नमन. तो पांचों पद गुरु पद है और पांचों पद बहुवचन में है. तो गुरु कितने हुए? अनंत, क्योंकि अरहंत सिद्ध, सिद्ध तो अनंत हो गए, है ना. अरहंत एट ए टाइम लिमिटेड होते हैं, एक समय में 20 होंगे कम से कम, ज्यादा होंगे 160 170 जैसा किताबों में लिखा है. तो तीर्थंकर अरहंत कहलाते हैं, ओके. तो वो सीमित है लेकिन सिद्ध अनंत है. आचार्य, उपाध्याय, साधु कितने हैं? और यहाँ क्या सिखाया गया जैन दर्शन का, मूल बेसिक क्या है जैन दर्शन का, कि हमारी दृष्टि गुणग्राही हो और सब में गुण देखो, क्योंकि सब में किसी न किसी अंश में तो साधुता है ही. इस दुनिया का कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें किसी न किसी अंश में साधु भावना ना हो, साधुता ना हो, सज्जनता ना हो, ऐसा कोई प्राणी नहीं है. और अगर आप उस साधु भाव को प्रणाम कर रहे हो, नमो लोए सर्व साहुणम, सभी साधु भावनाओं को प्रणाम है हमारा, तो फिर हमारा एक गुरु नहीं हुआ. गुरु कितने? अनंत, अनंत है, ठीक है. तो आप सबका रेस्पेक्ट करो, आपको जिसने नियम दिया उनका भी रेस्पेक्ट करो, जिनसे ट्यूनिंग मिली उनका भी रेस्पेक्ट करो, सबका रेस्पेक्ट करो, सब में गुणों को देखो, सबकी सेवा करो, सबकी वंदना करो. लेकिन एक बात ध्यान रहे कि ये सब हमारे जीवन में उपकारी है, और उपकार देने वाला कोई भी हो हमारे लिए सब गुरु है. कोई भेदभाव मत करो, और सबसे सब मिलेगा,
जरूरी नहीं है, और सब समय तुम सब लेने के पात्र होंगे ऐसा भी तो जरूरी नहीं है। क्या पता सामने वाला पूरा हो लेकिन हमारा पात्र बहुत छोटा हो तो हम नहीं ले सकते, है ना। तो तुम्हारी समझ भी तो डेवलप होगी, जब तुम एक साल पहले की समझ में और आज की समझ में तुम्हारे में बहुत मैच्योरिटी आई है, आने वाले 5-10 साल में तुमको और तुम्हारे मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा और तुम्हें सिखाने वाला कोई नहीं आएगा, उसको भी वैसे ही रेस्पेक्ट करना जैसे तुम पहले से करते आ रहे, ठीक है। तो कहीं अटको मत, क्योंकि गुरु वह होता है जो किसी व्यक्ति को अपने से बांधता नहीं है, वो तो दृष्टि देता है, आँख देता है और फिर दुनिया में चलाता है, दुनिया में चलो आँख मिल गई, अभी खुद की यात्रा खुद करो, खुद देखना सीखो, सर्वत्र गुण देखना सीखो, तभी तो गुरु आया जिंदगी में। जय हो।